आयरन। लेकिन जो आपको समझना है कि माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया जो कई लोगों के ब्लड टेस्ट में स्मियर में आता है वो क्या चीज है। माइक्रोसाइटिक मतलब छोटे छोटे सेल्स, यहां पे बात हो रही है रेड ब्लड सेल्स की जिसमें हीमोग्लोबिन है, जिसमें ऑक्सीजन है, जिसमें आयरन का हीमोग्लोबिन। सो माइक्रोसाइटिक मीन्स सेल्स छोटे छोटे हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। हाइपोक्रोमिक मीन्स जितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए था, जितना लाल कलर होना चाहिए था उससे कम है। तो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया मतलब जितने साल सेल्स होने चाहिए थे उससे कम है। सो ये होता है, होता क्या है, नॉर्मली बोन मैरो में आपके हीमोग्लोबिन आरबीसीज बनते हैं और ये रेटिकुलोसाइट प्री मेच्योर आरबीसीज होते हैं। तो रेटिकुलोसाइट्स कई बार क्या होता है, जैसे जैसे आपका हीमोग्लोबिन कम होने लगता है ये प्री मेच्योर सेल्स को खून में डालना शुरू कर देते हैं बोन मैरो, जाओ 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 जाओ, काम जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। जैसे इंडिया में नहीं होता, बड़े वर्कर तो है ही, या चाइल्ड लेबर शुरू, जाओ 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 तुम भी काम करो, क्या पढ़ा, पढ़ाई वढ़ाई मत करो, काम करो। वैसे ही आपके इसमें होता है, छोटे बच्चों को काम पे भेज दिया जाता है तो ये आपके छोटे छोटे बच्चे दिखते हैं, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। सो खून की कमी एनीमिया में ऐसा होता है। सो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया इज अगेन अ साइन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी, और बेसिकली बहुत सारे एनीमिया में भी मिलेगा वो, राइट। सो ये उसका मतलब है।